तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आ चुके हैं हमारे टेरेस गार्डन पे। हाफ एन आवर के मैंने वॉक कर ली, अब काम शुरू करेंगे और टेरेस गार्डन का आपको देंगे एक ओवरव्यू। आज कुछ नहीं लगाऊंगी पौधा वौधा, आज कुछ कुछ दूसरी बातें शेयर करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी तो फ्रेंड्स आपको पता है कि क्या करना है। तो सबसे पहले ओवरव्यू देती जाऊँगी और साथ के साथ कुछ बातें प्लांट्स के बारे में शेयर करते रहेंगे। तो अगेन शुरू करते हैं बाहर से, उसके बाद शुरू करेंगे अंदर से। देखो इंट्रोड्यूस शुरू करेंगे हमारे पॉटिंग मिक्स है ये, और इधर ही पर्पल हार्ट है। ये पर्पल हार्ट कटिंग के थ्रू इजीली ग्रो जाता है, कटिंग अभी भी लग जाएगी इसकी। और ये है हमारे 9 o'clock, इसमें देखो फ्लावरिंग होती है, मगर मैं क्या बाद में वीडियो नहीं बनाती हूँ ना। ये देखो आप इसमें बडिंग देख रहे हैं कितनी सारी आ रखी है, मगर बाद में वीडियो नहीं बनाती हूँ तो इसके कारण इसके फ्लावर नहीं आते, उधर आ जाते हैं आड़े नहीं। ये तो कटिंग के थ्रू इजीली ग्रो जाते हैं, सभी को पता है। अगेन इधर आ जाता है हमारा ये बोगनविलिया, ये भी कटिंग के थ्रू इजीली ग्रो जाता है। ये समर का प्लांट है, देखो इसकी कटिंग जब टूट गई थी ना तो मैंने एक कटिंग यहाँ भी लगा दी थी इसकी। और इसको ना पानी ना कम देना होता है, गर्मी में आप 2 दिन छोड़ के 1 दिन दे सकते हो, और विंटर में आप कम से कम 4-5 दिन छोड़ के 1 दिन सकते हो, गर्मी में 2-3 दिन छोड़ के 1 दिन दे सकते हो। मगर कल के बारिश हुई ना तो देखो ये पूरा पानी से भर गया। अब ये है मदर ऑफ थाउजेंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें ये देखो अरे गिर भी गए, देखो नीचे इस तरीके से गिर गए, ये इसके बेबीज होते हैं ये, और ये इस पर उगते हैं देखो लगता है, इसलिए इनको कहते हैं मदर ऑफ थाउजेंड। ये दिख रहे हैं आपको ऊपर, ये इसके थ्रू ये ऑटोमेटिक, जैसे फॉर एग्जांपल ये यहाँ इसमें मिट्टी में गिर जाएंगे, मैं यहाँ उगाऊंगी नहीं, गिर जाएंगे और ये उगते रहते सेपरेट होते रहते। तो ये है इसके बेबीज, इसलिए इनको कहते हैं मदर ऑफ थाउजेंड। देखो अब है ना इसमें से गिर के इसमें कितने सारे ही उग गए, अब ये सभी पॉट सही करना है मुझे। देखो एक ये रहा बड़ा, ये पॉट भी सही करना है जो बाहर रखा है मैंने। तो चलो ठीक है, सही तो क्या करना है इसे वापस लगाना है। ये चंपा के प्लांट है, ये कटिंग के थ्रू इजीली ग्रो कर जाते हैं, जितना भी चंपा के प्लांट है उसमें रहते हैं, कटिंग से ही उगाए मैंने। और ये बोगनविलिया भी, और ये फुल धूप में रहते हैं इसलिए यहाँ बाहर धूप में रखे हुए हैं। इन्हें भी वही, इनका भी वही प्रोसेस है, इन्हें कम पानी देना होता है, कम पानी देते हैं तभी फ्लावरिंग होती है, बाकी नहीं होती है। बोगनविलिया में भी है, कम पानी दोगे तब फ्लावरिंग होगी, ज़्यादा पानी दोगे तो सिर्फ लीफ लीफ आएंगे। इधर भी यही है, चंपा का प्लांट कटिंग के थ्रू इजीली ग्रो जाता है, और अभी ये सीज़न है अब इसका ग्रो होने का, आप इसकी कटिंग लग के लगा सकते हैं, ग्रो जाएगी। नहीं तो मार्च स्टार्टिंग में या फेब तक लगा लीजिए, फिर उसमें बाद में शायद फ्लावरिंग तो नहीं होगी मगर आपका प्लांट अच्छा हो जाएगा। इस तरीके से ये है यूफोरबिया मिली, ये देखो इसमें कांटे कितने सारे हैं, ये वाला है, एक ये है जिसमें कांटे कम है, इसमें अलग अलग तरीके, सब में अलग अलग, इसमें फ्लावर अलग आता है, इसमें अलग आता है, और इस वाले में अलग आता है, और छोटू से में अलग आता है, इसमें इस तरीके की फ्लावरिंग होती है। धूप में रखो, कम पानी दो, इसमें फ्लावरिंग और कटिंग के थ्रू ईजिली ग्रो कर जाता है। और इधर आ जाए तो ये हमारा मधुमालती तो आपको पता है, ये भी कटिंग के थ्रू ईजिली ग्रो कर जाता है। और ये मैंने अभी ये मैंने विंटर में लगाया था जो अभी ग्रो करने लगा है, और ये मैंने समर में इसको रिपोर्ट किया था तो अब जाके सही होने लगा है, क्योंकि इसका पूरा प्लांटर फट गया था मेरा, बोरी में लगा हुआ था। ये आ जाते हैं कनेर पे सारी फ्लावरिंग हो गई, मैंने इसके भी सारी कटिंग की है, कटिंग करने के बाद देखो नई नई शूट्स आ रही है। देखिए एक आपको कुछ दिखाती हूँ, इंसेक्ट्स कितना कूल लग रहा है, देखो कैसे बैठा है, और कोई इतनी तितली वितली तो उड़ जाती है, अरे ये भी उड़ गया। चलो ठीक है, एलोवेरा ये पप के थ्रू इसीलिए ग्रो जाता है, अरे सेपरेट होते रहते हैं, अंदर मल्टीप्लाई होते रहते हैं, देखो इसमें नीचे आ गए ना, ये इस तरीके से मल्टीप्लाई होते रहते हैं, इसे भी कंपनी की ज़रूरत है। केल कनेर इसको कटिंग के थ्रू इजीली ग्रो किया जाता है, डबल बैकबोन इसे भी कटिंग के थ्रू इजीली ग्रो कर सकते हैं, मोगरा है, मोगरा भी कटिंग से लग जाता है। 9 o'clock अगेन इधर आ गया आलमंडा, ये आलमंडा है, इसके भी कटिंग मिल जाए ना ये भी इजीली ग्रो जाती है, और ये भी समर का बेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है। इसमें बहुत सारी देखो कलियाँ, देखो कितनी सारी आ रही है, ये फ्लावर कलियाँ बहुत सारी आती है, देखो हर जगह कली है, ये देखो और का इधर भी है, एक दूसरा आलमंडा का है, ये इधर भी है, देखो इस तरीके से ये, तो इसमें इस तरीके फूल खिलते हैं। अब इस वाले में तो फूल खिले एक दो, इस वाले में नहीं खिल रहे, इसमें बस बर्ड्स आ रही है, इसके फ्लावर का कलर अलग होता है, देख रही हूँ एक आधा कोई फूल खिला हो, नहीं खिला है, बस बर्ड आ रही है। कल हवाएं वगैरह चली ना तो उसके कारण सारे फ्लावर वगैरह टूट गए होंगे। इधर अगेन बोगनविलिया आता है, बोगनविलिया के मैं आलमंडा जो मैंने आपको बताया था ना, इसकी भी कटिंग मिल जाए ना इजीली ग्रो कर जाता है, ये छोटी से छोटी भी कटिंग मिल जाए ना ये ग्रो कर जाता है, बस कटिंग ऐसी होनी चाहिए, थोड़ा सा पेंसिल साइज़ कटिंग होनी चाहिए, तो इजीली साइज़ में मतलब थिकनेस में भी और उसकी लेंथ में भी ऐसी होना तो वो इजीली ग्रो करती है। ये मधुमालती रहता है हमारा इधर, और इधर हमारा ये रहता है केल, इधर आ जाता है हमारा गेंद चंपा, चंपा को फुल धूप चाहिए।
और देखो ये इधर आ जाता है, ये बिस्किस आ जाते हैं हमारे, ये बिस्किस में देखो बडिंग हो रही है। वीट्स वगैरह ये सब हटाने हैं यार, हटाऊंगी, टाइम ही नहीं मिलता, जो जैसे जैसे टाइम मिलता है वैसे वैसे हटाती रहती हूँ। तो बोगनविलिया में मेरे पास है ना ऑलमोस्ट सारे शेड्स हैं, इधर आ जाती है पराजिता भी कटिंग की तो इजीली ग्रो कर जाती है, मगर इसमें के सीड्स बनते हैं, ये देखो सीड बना फिर ऑटोमेटिकली फट जाते हैं और ऐसे ये किसी न किसी उसमें स्प्रेड हो जाते हैं और ये ऑटोमेटिक फिर उग भी जाते हैं। इस तरीके से पराजिता अपने आप से मल्टीप्लाई होती रहती है, ज़्यादा उसको करने की ज़रूरत नहीं है। तो कभी कभी किसी प्लांटर में, कभी किसी प्लांटर में। इधर आ जाएँ तो ये हमारा है चमेली, इधर ये सारे हिबिस्किस हैं हमारे, इधर ये आ जाएँ तो मोगरा है। मोगरा में देखो कितना, कल मेरे पास एक फ़ोन आया, फ़ोन नहीं आया, कमेंट आया था कि मैडम क्या करते हैं मोगरा में, उसके लिए किसके लिए, फ्लावरिंग के लिए। तो मोगरा में देखो मैं तो किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र देती हूँ और काउडंग केक देती हूँ, उसी से फ्लावरिंग होती है अच्छे से, और उसकी प्रूनिंग करते रहना चाहिए। प्रूनिंग करोगे इतने ही आएंगे पुरानी ब्रांच। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये सारे फ्लावर खिल जाएंगे ना, फिर कटिंग कर दो यहाँ से अभी कटिंग कर देंगे तो नई फ्लावरिंग होगी। इस तरीके से इसकी प्रूनिंग करते रहना चाहिए, तभी नए फ्लावर्स वगैरह खिलते हैं। अगेन आ जाए तो इधर ये हमारे गुलाब के हैं, ये देखो इसमें गर्मी में फूल खिलता है, मैंने ये नोटिस किया है। इस मोगरा की सब्जी है, उसकी कटिंग मिल जाए, कटिंग लगा दो इजीली ग्रो कर जाएगा, और कटिंग हमेशा ना 3-4 लगानी चाहिए, तब उसमें से जाके एक लगती है, एक या दो लगती है, इसलिए एक दो एक्स्ट्रा ही लगानी चाहिए। ये हमारा आ जाता है इंसुलिन प्लांट बड़ा कूल लगता है देखो दिखने में, ये ऐसा ना ऐसा गोल गोल करके घूमता है और उसकी पत्तियाँ खाई जाती है, ऐसे बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डायबिटिक पेशेंट खाते हैं। थोड़ा सा भी देखो धूप में रहने से इस तरीके से बर्न हो जाता है, ये वाला एरिया धूप का नहीं है तो इसकी पत्तियाँ देखो ठीक ठीक चल रही है, इसलिए क्योंकि मैंने इसको यहाँ बिल्कुल कॉर्नर में रखा था तो भी इसकी पत्तियाँ बर्न हो रही है धूप से, बिकॉज ये शेड में नहीं है, शेड वहाँ तक है और ये बाहर आ जाता है। ये वाला प्लांट है, ये भी कटिंग से इजीली लग जाता है, देखो उसकी कटिंग मैंने एक लगाई हुई थी यहाँ, इधर एक कटिंग लगाई थी वो ग्रो कर गई, देखो इधर ये रही, तो इसका नाम मुझे नहीं पता यार बस। और अब इधर आ जाए, ये है बेबी टीयर्स बड़ी ड्रॉप्स वाले, ही देखो इसका शेप है ना टीयर की तरह होता है, इसलिए बेबी टीयर कहते हैं इसकी। तो छोटी सी भी कटिंग मिल जाए बहुत ईजिली ग्रो कर जाता है, बिल्कुल ख़राब हो गया था, वापस इसको थोड़ा सही किया, इसकी कटिंग की, प्रूनिंग की, तो ये वापस अच्छा हो गया। तो देखो मैं अंदर आई, बाहर का सारा हो गया, अंदर आई देखने कि अगेन कोई नुकसान तो नहीं हुआ है। अब बताऊँगी कुछ प्लांट्स के बारे में, कोई नुकसान तो नहीं, मैंने वहाँ से वहाँ तक आपको शेयर कर दिया बाहर का, अभी अंदर का भी करना है। फिर मैंने को लगा कोई नुकसान तो नहीं आया, वो देख लो कल आंधी तूफान अगेन बहुत ज़्यादा आए, तो फिर देखा ये फिर गिर रहा, पता नहीं ये क्यों गिर रहा है बार। और इसके पास मेरा एक टर्टल वो प्लांट था, वो भी गिर गया है, बेबी सनरोज में देखो कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। वो काम छोड़ के आपको ये दिखाने लगी, देखो धूप आएगी ना ये सारे फ्लावर खिल जाएंगे, इसकी कटिंग भी मिल जाए ना बहुत इजीली ग्रो कर जाती है, बहुत ही कूल लगता है, सबसे अच्छा प्लांट ये लगता है। देखो उसमें कितने सारे फ्लावर्स आ रहे हैं, दिखाऊंगा, अरे घूमो मत यार, ये देखो फ्लावरिंग देखो उसकी, यहाँ हो रही है वहाँ, इसकी भी कटिंग मिल जाए ना, बस इसकी कटिंग है ना पानी से थोड़ी सी बचानी चाहिए, ज़्यादा पानी लग जाएगा ना ओवर वाटरिंग तो ये कटिंग ख़राब हो जाती है इसकी। इसको तो मैंने बहुतों में लगा रखा है यार, बहुत, ये देखो इसमें मदर ऑफ थाउजेंड उग गया, अब इसमें कैसे उग गया दूर दूर तक, यहाँ मदर ऑफ थाउजेंड, ये पता नहीं कैसे, नहीं उगा नहीं है ये, पता नहीं कहाँ से गिर गया। यहाँ एक मेरा प्लांटर था वो नीचे गिर गया, ये तो गिर गया नीचे, खैर इसको तो उठाते हैं यहाँ रख देते हैं, इसका एक प्लांटर नीचे गिर गया, यहाँ कोई पीछे रखा होगा मैंने, वो यहाँ पीछे गिर गया वो नीचे, चलो ठीक है उसे लाएंगे, यूँ नीचे आएगी ना खेलने के लिए तब बोलूँगी उसको लाने की। मैं सोच रही हूँ किस वाले पार्ट को कवर करूँ, वो वाला हो गया, अब एक काम करते हैं आज है ना बाहर वाला पार्ट कवर कर लेते हैं, बताती हूँ आपको, ये वाला पार्ट यहाँ से लेके ये सारा पार्ट कवर कर लेते हैं, बाहर का तो हो गया, बस अंदर का रहा है और एक वो वाला पार्ट कवर कर लेंगे, बाकी बचा ये वाला सारा पार्ट, ये कवर करेंगे हम कल, ये सारा एरिया हम कल कवर कर लेंगे, क्योंकि एक वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मुझे भी नीचे जाना है, लंबी से फ़र्क नहीं है मगर मेरे को नीचे जाना है, काम करना है फिर, तो ये वाला पार्ट कल कवर करूँगी और ये आज, तो आ जाते हैं इन पे। तो देखो ये है ऊपर बेबी टीयर्स छोटे वाले, ये देखो ये छोटे वाले, तो ये भी कटिंग के थ्रू इजीली ग्रो जाते हैं और अब इसका सीज़न है समर में। ये टर्टल वाइन, ये भी कटिंग के थ्रू, इसकी छोटी सी, ये भी वो है, ये भी टर्टल वाइन है, एक तरह से छोटी से छोटी कटिंग्स मिल जाए ना इन सब की, जो भी मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये इन सब की छोटी से छोटी कटिंग इजीली ग्रो कर जाती है, और मैंने ये आपके साथ सारे वीडियोस शेयर भी किए,
तो आपको पता भी है। ये स्वीट पोटैटो, ये भी अच्छा ग्रो कर जाता है। पीछे छोटे से उसमें सिंगोनियम लगा रखा है। ये कटिंग, ये भी कटिंग के थ्रू लग जाता है, सिंगोनियम, हाँ सिंगोनियम भी लग जाता है, कटिंग नहीं उसका, वो मल्टीप्लाई करके लग जाता है। ये अगेन हो गया हमारा इधर, ये मनी प्लांट है जिसको मैंने मटकी में उगा रखा है। ये दूसरे की मैंने कटिंग्स लगा रखी है। ये ग्रीन ग्रास हो गई, इधर तुलसी रखे हैं। ये है चेन प्लांट, चेन प्लांट की पब्स देखो कैसे नीचे तक फॉल करते हैं, कहाँ तक नीचे तक फॉल कर रहे हैं। ये हैंगिंग बास्केट में बहुत प्यारा लगता है, इसको मैंने मटकी के स्टैंड में लगा रखा है, ये इतना प्यारा लगता है ऐसे। तो देखो मनी प्लांट की मैंने कटिंग कर दी थी, कटिंग के बाद ये वापस बुशी हो गई। जितना कटिंग करते हैं ना प्लांट्स की उतना वो बुशी हो जाता है। ये है फन प्लांट, ये फन प्लांट सारे क्या मल्टीप्लाई होते हैं। ये सारे जैसे भी दिखा रही हूँ ना आपको, ये मल्टीप्लाई होके लगते हैं। एक तो कोई वाला अरे चेन प्लांट इसमें आ रहा है इधर, ये सारे मल्टीप्लाई होके लगते हैं। अब ये आगे अगेन चेन प्लांट एक छोटे से उसमें लगा हुआ है। और अब आगे चलते हैं, ये कोलियस जिसकी कटिंग में लगाती रहती है, कोलियस की कटिंग आपको लगाते रहना चाहिए। देखो अब कोलियस का कलर, मैंने वो कल लगाया था ना, ये वही कोलियस है। इसके कलर देखो कितना प्यारा आ रहा है, यह सेमी शेड में रहता है ना, इसका कलर इतना प्यारा आ रहा है। ये कटिंग से लगा हुआ है। वो जो मैं प्लांटर लाई थी ना उसी से मैं लगाती रहती हूँ, एक प्लांटर से मैं बहुत सारे प्लांटर्स बना लेती हूँ इसके। तो कोलियस बेस्ट फ्लावरिंग बेस्ट प्लांट है समर का, इसको बस शेड में रखना होता है, बाकी इसके पत्तियाँ कलर है ना बिल्कुल डाउन हो जाता है। तो ये भी कोलियस है, ये भी कोलियस है, ये भी कोलियस है, कटिंग के थ्रू इजीली ग्रो कर जाते हैं। छोटे छोटे से प्लांटर्स में लगे हुए हैं, देखो इतने से प्लांटर्स में लगे हुए हैं। ये ग्रीन ग्रास है, इन्हें भी मैंने छोटे छोटे से प्लांटर्स में लगा रखा है। और इधर चले तो ये रिबन ग्रास है कि ये देखो ये इस तरीके से होती है, स्टार्टिंग में जब ग्रो करती है ये ऐसी होती है, अरे ये ग्रीन होती है बिल्कुल देखो ऐसी, और फिर धीरे धीरे ये इस तरीके की हो जाती है। ये ड्रेसिना की एक वैरायटी है, ये सब भी कटिंग के थ्रू लग जाते हैं, ये तो मल्टीप्लाई होकर लगते हैं। ये आ जाते हैं हमारे क्या है वो, जल्दबाजी में नाम भूल जाती हूँ, एकदम ईजी नाम भी भूल जाती हूँ। ये हमारे गुलदाउदी, ये विंटर के, इनको मैंने इस तरीके से बचा के रखा है। यहाँ ये गुलदाउदी मैंने यहाँ नीचे भी रख रखा है, देखो इस तरीके से, यहाँ इसके नीचे आपको दिख रहा होगा शायद, ये देखो ऐसे। तो मैं इनको, हाँ अब इसका नाम याद आ गया, कलंचू भूल जाती हूँ, हाइब्रिड कलंचू है ये। अगेन बेबीडियर मैंने एक डीआईवाई प्लांट में बना के रखा है, ये देखो इस तरीके से। बेबीडियर है ना हैंगिंग बास्केट में बहुत कुछ लगता है। और ये फर्न, जो ये फर्न है ना, ये भी हैंगिंग बास्केट में बहुत ही प्यारा लगता है। हैंगिंग में लगाओ, मैंने एक भी हैंगिंग में नहीं लगा रखा यार, क्योंकि हैंगिंग की मेरे पास ज़्यादा जगह नहीं है यार। अगेन ये हमारे कोलियस रहते हैं, ये कोलियस, तो कोलियस बहुत ही प्यारा लगता है। ये सारी कटिंगें लगाई थी अभी मैंने, कुछ एक महीने पहले आपके साथ में शेयर की थी इसकी कटिंग्स लगाई थी, और देखो कितने अच्छे हो गए इसमें। बाकी कलंचू या कलंचू तो कटिंग के थ्रू लगते हैं और विंटर के होते हैं। अभी कटिंग मत लगाइए, अभी नहीं लगी इसकी कटिंग, मे भी लग भी सकती है, मैंने ट्राई नहीं किया, मगर इसकी विंटर से पहले लगानी चाहिए। बस इधर ये है डेविल बैकबोन, ये भी कटिंग के थ्रू इजी लग जाता है। ये अगेन कलंचू है, ये है सॉन्ग ऑफ इंडिया, देखो अभी इसकी मैंने कटिंग के थ्रू इसको लगाया था, और इसकी कटिंग मैंने पानी में ग्रो करके, और देखो जहाँ से कटिंग की ना ये यहाँ से दूसरी ब्रांच आ गई। बाकी ये सिर्फ एक ही एक लेगी सा ऊपर हो रहा था, देखो एक ही यहाँ से भी उठ गया, अरे ये यहाँ से भी। तो इस तरीके से कटिंग करते हैं ना, तो इस ज़्यादा स्टेम्स आता है और पौधा बुशी हो जाता है, नहीं तो क्या एक सिर्फ एक लेगी ब्रांच, एक सीधी 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 ब्रांच ऊपर जाती, कटिंग करने से दो एक्स्ट्रा ब्रांचेस आ गई और पौधा थोड़ा सा आपको बुशी सा लगेगा। तो ये कटिंग के थ्रू और पानी में इजीली ग्रो जाता है। चलो भैया के ये रेन लिली है, ये कलंचू है, ये वो डबल बैकबोन, इसकी भी कटिंग इजीली ग्रो जाती है। अगेन ये नॉन हाइब्रिड कलंचू है, इधर आए तो ये तो तुलसी जी हैं, सदाबहार हैं। ये कलंचू है, ये डबल बैकबोन, ये कटिंग के थ्रू लगाए गए थे। ये वाला मोगरा इधर अंदर भी आ रहा है थोड़ा सा, ये गुलाब है। ये यार मुझे तो उसका नाम एक्जोरा ही पता है यार, एक्जोरा नहीं बोल रहे थे, पता नहीं किसी ने बोला था एक्जोरा नहीं है, आई डोंट नो क्या प्लांट का नाम है, मगर इसके फ्लावर बहुत प्यारे लगते हैं। देखो इसको है ना, मैंने एक्जोरा खाते क्योंकि एक वीडियो मैंने इसका नाम मैंने एक्जोरा ही पढ़ा था, मगर फिर एक कमेंट आया था, मतलब मैडम इसका नाम एक्जोरा नहीं है, इसका नाम है वो जेट्रोपा, हाँ तो वही होगा इसका नाम शायद। तो इस तरह के सी हो जाते हैं, ये भी कटिंग के थ्रू इजीली ग्रो कर जाता है। तीनों शेड में मेरे पास रेड, पीच और ये ऑरेंज वाला अगेन आए। तो ये हमारे हिबिस्कस रहते हैं, ये भी कटिंग के थ्रू लग जाते हैं, ये हाइब्रिड वाला है। इधर ये सारे गुलाब हैं, ये वो क्या है वो हिबिस्कस है। ये हमारे ये वाले वो हैं एमरस लिली के बल्ब, ये ऑरेंज वाले येलो वाले हैं, ये वाला रेड वाला है, रेड नहीं था पापा कैसे लाई थी, ये रेड अभी अंदर के अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं फिर खूब सारे, देखो इसमें मल्टीप्लाई रुके ना ऐसे अंदर के अंदर ये मल्टीप्लाई होते रहते हैं। तो अभी सिर्फ एक है ना, तो
धीरे धीरे ये पूरा भर जाएगा, नेक्स्ट डेट तक तो ये पूरा भर जाएगा इनसे, और बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये है 9 o'clock मॉस रोज, और मॉस रोज इसका नाम नहीं पता मुझे। और नीचे कुछ इस तरीके से हमने रख रखे हैं हमारे ये पौधे, और ये ग्रीन ग्रास, ये इधर, ये इधर, ये विंटर के, ये भी विंटर के हैं। ये पर्पल हार्ट में देखो कितनी प्यारी फ्लावरिंग हो रही है, इसके फूल बहुत प्यारे लगते हैं देखो इस तरीके से। तो इसमें देखो कुछ इस तरीके से फूल आते हैं, बहुत ही प्यारा लगता है, और ये भी कटिंग के थ्रू इजीली ग्रो जाता है। अगेन इधर आए तो ये मोगरा देखो कितने प्यारे फूल आ रहे हैं, देखो कटिंग करती थी, और कटिंग करने के बाद एक जगह से दो दो वो आ रही है। आपको दिखाऊँ इसकी कटिंग कहाँ की थी अभी मैंने, कटिंग करो ना तो पौधा बहुत बुशी रहता है। बस मैं क्या वीडियो को बंद करूँगी यार, मेरा टाइम हो रहा है, मुझे नीचे आना है, खाना वाना बनाना है। ये टेबल बर्ग बोन इधर अगेन आ जाता है, ये है वही, ये जेड प्लांट है। अरे यार जेड प्लांट मुझे किसी को देना है, मैं देख रही हूँ कि जेड प्लांट मेरा किसी में छूटा। कल मेरे जो ड्राइंग के स्टूडेंट थे उनकी मम्मी का कॉल आया था, बोले भाभी हो तो देना, अब मैं वो ढूंढ रही हूँ कि वो कहाँ। ये अगेन बेबी सनरोज, ये तो मैं किसी छोटे प्लांटर में लगाया होगा तो वो दे दूँगी। ये बेबी सनरोज अभी आपको बता दिया था, ये इसका नाम मुझे नहीं पता है अभी भी। ये चंपा के प्लांट है, ये सब कटिंग से, ये जितने भी प्लांट्स हैं ना ये सारे चंपा मोगरा ये सब कटिंग किससे लग जाएंगे। ये हैं टिकोमा, ये भी कटिंग के थ्रू इजीली लग जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं। टिकोमा में देखो मैं अभी अजमेर से लाई थी ना, देखो ये क्या हो गया, ये वीड्स में कोई याद ही नहीं रहा, इसका पत्ता उसका पत्ता सेम ही लगा तो मैंने रहने दिया। इसमें और भी वीड्स उग रहे हैं, अभी नहीं उगाऊंगी, हटाऊंगी, कल हटाऊंगी इसको। देखो इस टिकोमा में भी मेरे फ्लावरिंग आने लगी, टिकोमा दिख रहा है आपको इस तरीके से, ऑरेंज टिकोमा है ये, अजमेर से लाई थी, इतना छोटू सा अभी इतना बड़ा हो गया। भाभी ने भी क्या इसको कटिंग से ही लगाए थे, फिर मैं ले आई थी, मेरे पास ये सारे कलर के हो गए टिकोमा, जितने कलर के होते हैं ये आए रहते हैं हमारे सदाबहार, सदाबहार तो कटिंग के थ्रू इजीली ग्रो हो ही जाते हैं। मगर इसकी क्या मेरी कटिंग नहीं चली, बिकॉज बिल्ली के बच्चों ने ख़राब कर दी वो गमले के ऊपर चढ़ चढ़ के, वो कटिंग्स ख़राब कर दी। ये आ जाता है मोगरा, मोगरा यहाँ से ही हवा से टूट गया। इधर आ जाते हैं हमारे सारे गुलाब, ये सारे गुलाब, गुलाब को सब मैंने क्लस्टर में रखा है, देखो रेन लिली उग रहे हैं अभी भी, थोड़ा सा भी बारिश, जैसे कल बारिश हुई ना, बारिश होते ही थोड़ी सी भी रेन लिली ग्रो कर जाती है। देखो एक इधर को रोकर और बाकी ये इधर अभी लगाए थे ये वाले रेन लिली के बल्ब। और इधर हमारे ये सारे कुछ एक वो सर्कुलेंट वगैरह रहते हैं नीचे मेरे सारे, और भी रख रखे हैं एक तो मैंने पौधे, और ये चेन प्लांट इधर रख रखा है, और इधर 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 ये बाकी सारे मेरे आपके साथ में, ये भी वो है क्या बोलते हैं एम्ब्रस लिली के बल्ब, अगेन ये इधर आ जाता है हमारा बोगनविलिया, ये एडेनियम, अडेनियम कितने ज़्यादा बुशी हो रहे हैं देखो, ये देखो कटिंग करने के बाद ही कितने अच्छे से हो गए, देखो बहुत सारी ब्रांचेस आ गई एक में, कितनी सारी आ गई ब्रांचेस सब में, देखो एक जगह आप देखोगे ना तो उसमें दो दो तीन तीन चार चार है, किसी किसी में तो चार चार भी ब्रांचेस आ गई हैं एक्स्ट्रा, एक से चार चार। तो इस तरीके से ये पानी कम देने की ज़रूरत रहती है। ये भी क्या कटिंग के थ्रू इजीली ग्रो कर जाता है, मगर इसकी कटिंग के बाद है ना इसका कोडेक्स नहीं बनता, इतना मोटा पार्ट नहीं बन पार्ट नहीं बनता, सिर्फ एक पतला सा स्टेम बनता है। तो इसे ना इसके सीड के थ्रू उगाना ज़्यादा सही रहता है। तो चलो ठीक है, ये हमारा आ जाता है रजनीगंधा। अब कब इसमें क्या स्टॉक निकलेगा वो देखेंगे, इसके बल्ब में इसी में रहने दिए थे, अब देखो कब क्या उगता है ये। और बल्ब वाले कोई प्लांट में निकालती नहीं हूँ, रहने देती हूँ, जैसा सीज़न आता है वो ऑटोमेटिक ग्रो कर जाते हैं। तो चलो ठीक है, ये चंपा की कटिंग्स वगैरह लगाई है, ये इधर 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 ये सारी कटिंग लगा के रखी हुई है। ये हमारा हार श्रृंगार आ जाता है, ये हमारा जेड प्लांट है, स्नेक प्लांट आ जाता है। तो चलो ठीक है, अब वीडियो को बंद करते हैं, नहीं तो क्या वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी रहेगी, अब उस वाले एरिया का कल बताऊंगी वो सारा। तो चलो ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो फ्रेंड्स आपको पता है कि क्या करना है। ओके बाय।